नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हम आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाने वाला जो मैथ्स है उसका हर एक टॉपिक बेसिक से एडवांस लेवल तक करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस। दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट नंबर 4। इससे पहले ऑलरेडी हम 3 पार्ट कवर कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाले 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो सबसे पहले तो आप पहले वाले 3 पार्ट देख लीजिए। ठीक है, उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। जो क्वेश्चन हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन, वो सारे के सारे आपको यहां पे मिल जाएंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। चैनल है आपका मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से ये चैनल है हमारा टेलीग्राम पे और फेसबुक पे, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं आज का। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, हमने लास्ट सेशन में 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने क्या है, रीड आउट करिए इसे, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या है। मोहन परचेज 150 केजी एप्पल एट रुपीज 8500, ही सेल 20% एप्पल एट 15% लॉस, 30% एप्पल ऑन 20% प्रॉफिट एंड रिमेनिंग एट 8% प्रॉफिट, फाइंड हिज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट। देखिए उसने बोला कि उसने 150 केजी हैं जो कितने रुपए में खरीदे, 8500 रुपीज में खरीदे। 150 केजी एप्पल जो है 8500 रुपीज में खरीदे, उसने उनका 20% यानी कि जितने एप्पल थे उनका 20% उसने 15% प्रॉफिट पे सेल किया, 30% उन एप्पल का 30% जो भाग था वो 20% प्रॉफिट पे सेल किया, और जो बचे हुए थे वो कितने में सेल किए, 8% प्रॉफिट पे सेल किए। आपको ओवरऑल उसका प्रॉफिट बताना है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे एक बात मैं आपको बता दूं, जो ये 150 केजी और जो ये रुपीज 8500 दे रखा है, एक्चुअल में इसका कोई भी काम नहीं है। इस क्वेश्चन में इसका कोई भी काम नहीं है, आप सिर्फ क्या देखो कि हम टोटल वैल्यू हमेशा कितनी लेके चलते हैं, 100%। ध्यान से सुनना, 100% में से उसने जो 20% थे, पहले 20% थे वो सेल किए 15% लॉस पे, 30% सेल किए 20% प्रॉफिट पे, और बचे हुए, अब बच गए कितने, 20% यहां पे गए, 30% यहां पे गए, टोटल हमेशा कितने होते हैं 100, तो बचे कितने 50%, यानी कि जो ये 50% है वो कितने प्रॉफिट पे सेल किए, 8% प्रॉफिट पे सेल किए, और आपको बताना कि ओवरऑल अगर इनको मिलाएं तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो में ले लेंगे, जो पार्ट उसने सेल किया है, जितना जितना पार्ट उसने सेल किया है उसको रेशियो में कन्वर्ट कर लो। देखो इसको रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो आपका रेशियो आ जाएगा 2:3:5 आ जाएगा। ऐसा मान लो कि उसने 2 एप्पल 15% लॉस पे सेल किए, 3 एप्पल 20% प्रॉफिट पे सेल किए, और 5 एप्पल 8% प्रॉफिट पे सेल किए, यानी कि जो पार्ट उसने सेल किया है उस पार्ट का आप क्या लोगे, रेशो ले लोगे। अब यहां से अगर टोटल देखो तो ये टोटल पार्ट किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है, यानी कि आपको टोटल पे बताना है कि 10 पे कितना प्रॉफिट हुआ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लॉस को लिख लेंगे माइनस में और प्रॉफिट को लिख लेंगे प्लस में। ऐसा मैंने आपको रेशियो में भी बताया था, अगर आपने रेशियो टॉपिक नहीं देखा है तो मैंने रेशियो में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया था। ठीक है, चलिए 2 देखिए, पहला पार्ट है 2, इसको सेल किया 15% लॉस पे तो हम इसको ले लेंगे -15, प्लस दूसरा जो पार्ट है इसको सेल किया 20% प्रॉफिट पे तो इसको प्लस का 20 रखेंगे, प्लस नेक्स्ट जो पार्ट है इसको सेल किया 8% प्रॉफिट पे इसको प्लस का रखेंगे, तो टोटल पे क्या हुआ, हमने मान लिया कि टोटल पे प्रॉफिट हुआ एक्स, टोटल पे प्रॉफिट कितना हुआ एक्स हुआ। सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 60। ध्यान से देखो, 30 माइनस का 60 प्लस का, तो क्या बचेगा यहां से, 30% बचेगा नहीं बचेगा,
लिखने की भी जरूरत नहीं है। यहां 60%, यहां पे 30%, 60 में से 30 माइनस करोगे 30 बचेगा और 40 टोटल कितना हो जाएगा 70%, किसके इक्वल, 10x के इक्वल। तो यहां से x का वैल्यू निकालोगे, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो आपके x का वैल्यू क्या आ जाएगा 7%, यानी कि ओवरऑल उसे क्या हुआ 7% का प्रॉफिट हुआ। तो आप जो क्वांटिटी है, अगर आपके पास क्वांटिटी दे रखी है तो आप क्वांटिटी का रेशियो ले लेंगे, अगर आपके पास प्राइस दे रखा है, अलग अलग चीजें हैं उनका प्राइस दे रखा है तो आप प्राइस का रेशियो ले लेंगे, अगर आपके पास क्वांटिटी है तो आप क्वांटिटी का रेशियो ले लेंगे, अगर आपके पास प्राइस है तो प्राइस का रेशियो ले लेंगे। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं इस तरह का, चिंता मत करो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 क्या दिया गया, रवि परचेज ए वॉच एट 2400, 2400 जो वॉच है वो उसने परचेज की 2400 में, ओके। साइकिल एट 4800, साइकिल उसने परचेज किया 4800 में, एंड मोबाइल एट 12,000, और उसने मोबाइल जो परचेज किया वो किया 12,000 में, ठीक है। ही सेल वॉच एट 20% लॉस, वॉच पे 20% का लॉस है, साइकिल पे 15% का प्रॉफिट है और मोबाइल पे 14% का प्रॉफिट है, आपको बताना ओवरऑल उसका प्रॉफिट क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला था, अगर आपके पास अलग अलग आर्टिकल का प्राइस है तो आप प्राइस का रेशियो ले लो, तो आप क्या कर लो प्राइस का रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो 24 से कैंसिल करोगे 1 आ जाएगा, यहां पे 2 आ जाएगा, यहां पे 3 आ जाएगा, यानी कि उनके प्राइस का रेशियो क्या था 1, 2, 3, और टोटल प्राइस देखे तो टोटल प्राइस कितना था 6 था, टोटल प्राइस कितना था 6 था, सॉरी ये 5 पे चला जाएगा ना, 5 पे चला जाएगा, तो टोटल प्राइस कितना हुआ यहां पे 8 हुआ। देखिए मैंने क्या बोला था आपको कि अगर आपके पास प्राइस है तो आप प्राइस का रेशियो ले लेंगे, तो प्राइस का रेशियो लिया 1:2:5, जो कितना आ गया 8 आ गया, ये टोटल है आपका 8, इस पे बताना है, इसके ऊपर बताना आपको ओवरऑल क्या हुआ। अब करिए, वॉच को उसने सेल किया कितने पे, वॉच को उसने सेल किया 20% के लॉस पे, तो यहां पे कर दो -20%, प्लस का साइन लगाओगे क्योंकि सभी को जोड़ना है, ओवरऑल बताने के लिए सभी को जोड़ना है। सेकंड वाले पार्ट पे साइकिल पे, साइकिल पे क्या हुआ उसे 15% का प्रॉफिट हुआ, प्लस करोगे मोबाइल पे क्या हुआ उसे, मोबाइल का वैल्यू कितना था 5, उस पे कितना प्रॉफिट हुआ 14% का प्रॉफिट हुआ, और ओवरऑल की बात करें तो हमने कितना प्रॉफिट लेट कर लिया, एक्स लेट कर लिया। सिंप्लीफाई कर लो, ये आपका 20, ये आपका 30, ये माइनस का 20 प्लस का 30, 10 तो यहां से बचेगा और 70 ये, तो टोटल कितना हो जाएगा 80%, किसके इक्वल 8x के इक्वल, 8 से 80 को कैंसिल करोगे तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10%, यानी कि उसके ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ 10% का प्रॉफिट हुआ। अगर इन क्वेश्चन में बेसिक से जाएंगे तो बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखिए क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33 खुद से करने की कोशिश करिए, आपके पास 10 सेकंड है, फिर मैं बताता हूं इसका सॉल्यूशन आपको, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 देखिए आपके सामने है, श्याम परचेज ए बाइक एंड ए स्कूटर एट 45,000 एंड 30,000, ही सेल बाइक एट 5% प्रॉफिट एंड स्कूटर एट एक्स परसेंट प्रॉफिट, इफ ओवरऑल ही गेन 9% देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। सेम क्वेश्चन है, यहां पे आपको एक्स का वैल्यू निकालना, चलिए करते हैं। इसने क्या बोला कि जो बाइक है वो तो लिया 45,000 में और जो स्कूटर है वो लिया 30,000 में। मैंने क्या बोला था, अगर आपके पास प्राइस है तो प्राइस का रेशियो निकाल लो, प्राइस का रेशियो निकालोगे 15 से कैंसिल करोगे 3 पे चला जाएगा, 15 से कैंसिल करोगे 2 पे चला जाएगा। अगर टोटल वैल्यू देखें कि टोटल वैल्यू कितनी बनती है 5, और इसी के ऊपर आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताना है, ओके। अब देखो उसने बाइक को सेल किया कितने पे 5% प्रॉफिट पे, बाइक को सेल किया 5% के प्रॉफिट पे, प्लस स्कूटर को सेल किया एक्स परसेंट पे, स्कूटर को सेल किया एक्स परसेंट पे, ओवरऑल उसे क्या हुआ, ओवरऑल उसे प्रॉफिट हुआ 9% का, यही तो बोला गया है, तो कर दो, ये कितना आएगा आपका 2x, किसके इक्वल, ये हो जाएगा 45 और ये हो जाएगा 15, अरे 15 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा 45 में से, तो क्या बचेगा 30, तो यहां से x का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 15%, और यही आपको बताना था, दैट्स इट। रेशो से जाएंगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से आप। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, क्या दिया गया, द सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर सेम, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, फर्स्ट वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 20% लॉस, पहली को 20% लाभ पर और दूसरी को 20% हानि पर बेचा गया, आपको बताना फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, कि ओवरऑल आपको बताना है कि उनका प्रॉफिट और लॉस कितना है, प्रॉफिट है या लॉस है वो कितना है। इसने बोला कि जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, सेलिंग प्राइस क्या है,
सेलिंग प्राइस सेम है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए करते हैं सेलिंग प्राइस। अब उसने जो फर्स्ट आर्टिकल थी, फर्स्ट आर्टिकल को उसने कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया? फर्स्ट आर्टिकल को 20% प्रॉफिट पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर रहा होगा 100 तो सेलिंग प्राइस कितना आया होगा 120। रेशो निकाल लेता हूं मैं। और ये सेकंड वाला है, मैं आपको ये बेसिक बता रहा हूं फिर डायरेक्ट बताऊंगा, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस रहा होगा 100 तो सेलिंग प्राइस यहां पे कितना आया होगा? 80 आया होगा, क्योंकि यहां पे 20% का लॉस है और यहां पे 20% का प्रॉफिट है। अगर रेशो निकालेंगे तो 20 से कैंसिल कर लीजिए, आ जाएगा 5, आ जाएगा 6। अगर रेशो निकालेंगे यहां पे आ जाएगा 5, आ जाएगा 4। लेकिन उसने कंडीशन लगाई थी, क्या कंडीशन लगाई थी? कि सेलिंग प्राइस जो है वो क्या है? सेम है, बट यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 6 है, और यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 4 है। क्या ये सेम है? सेम नहीं है, तो इनको सेम कर लेंगे। इनको क्या कर लेंगे? सेम कर लेंगे। सेम कैसे करेंगे? ये 6 है, ये 4 है। 6 और 4 का एलसीएम क्या होता है? 12। तो इन दोनों को 12 कर लो। 12 कैसे करोगे? यहां मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो 12 हो जाएगा, और यहां मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 12 हो जाएगा। 2 से करो, ये 10 आ गया, ये 12 आ गया। यहां 3 से करोगे, ये 15 आ गया, ये 12 आ गया। अब देखो सेलिंग प्राइस दोनों का इक्वल होगा। अब पूरे बिजनेस में उसने पूछा, तो पूरे बिजनेस में मुझे फटाफट बताओ कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 10 और 15 25, और पूरे बिजनेस का सेलिंग प्राइस जो वो कितना हुआ? 12 24। देखो कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 25। सेलिंग प्राइस कितना हुआ? 24। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। तो क्या हुआ? लॉस हुआ। और लॉस कितने परसेंट हुआ? तो देखो लॉस कितने का हुआ? 1 का। किसके ऊपर? 25 के ऊपर। और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो ये आपका चला जाएगा 4 पे, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? 4% लॉस है। ये तो मैंने बेसिक बता दिया आपको कि पहले हम दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। उसने बोला था सेलिंग प्राइस सेम है तो हम सेलिंग प्राइस को सेम कर लेंगे, ठीक है। ये तो आपका बेसिक है। अब चलिए इसकी डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूं। उसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, अगर आपका सेलिंग प्राइस सेम हो, सेलिंग प्राइस सेम हो, इसके साथ साथ प्रॉफिट परसेंट जो है वो इक्वल हो लॉस परसेंट के। सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट लॉस परसेंट के इक्वल हो, ये दो बातें होनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? जैसे इसमें 20% का प्रॉफिट था, 20% का लॉस था, तो यहां पे आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऑलवेज हेयर इज लॉस। हमेशा यहां पे क्या होगा? हमेशा यहां पे हानि होगी। अगर ऐसी कंडीशन है कि सेलिंग प्राइस सेम है और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम है, तो हमेशा क्या होगा? लॉस होगा। और वो आपको लॉस परसेंट बताना पड़ जाए तो जितना प्रॉफिट और जितना लॉस दे रखा है दोनों का मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, जितना प्रॉफिट और जितना लॉस दे रखा है वो 100 से डिवाइड कर देंगे मल्टीप्लाई करके, वो आपका लॉस परसेंट आ जाएगा। ध्यान रखना ये दोनों इक्वल होने चाहिए, ठीक है। अब यहां पे 20% का प्रॉफिट, 20% का लॉस, तो इसमें क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस कितने का होगा? मैंने बोला 20 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आ जाएगा यहां से 4%। तो आपको क्या होगा? 4% का लॉस होगा। ये बात नोट कर लीजिए अच्छे से कि सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो तो हमेशा क्या होगा? हमेशा लॉस होगा। और उसका फॉर्मूला क्या होगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई लॉस डिवाइड बाय 100। इसको नोट करें फटाफट, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ध्यान रखना सेलिंग प्राइस इक्वल हो और प्रॉफिट एंड लॉस इक्वल हो, ओके। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करवाते हैं आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 35 देखो क्या दिया गया। टू मोबाइल्स आर सोल्ड फॉर ₹15,000 ईच, यानी कि दोनों को 15,000 रुपए में बेचा गया है, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। सेलिंग प्राइस इक्वल है। आगे बोला फर्स्ट वाज सोल्ड एट 7.5% लॉस एंड सेकंड एट 7.5% प्रॉफिट, यानी कि पहले पे 7.5% की हानि और दूसरे पे 7.5% का लाभ हुआ, मतलब लाभ और हानि भी बराबर है। तो वैसा ही क्वेश्चन है, तो हमेशा क्या होगा इसमें? लॉस होगा। और लॉस कितना परसेंट होगा? तो जो 7.5 प्रॉफिट है और 7.5 लॉस है उन दोनों का मल्टीप्लाई करके डिवाइड किससे कर देंगे? 100 से कर देंगे। तो इन दोनों के लिए दो जीरो नीचे आ जाएंगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 75 का स्क्वायर करोगे तो 4225 आ जाएगा डिवाइड बाय 10,000। अब 4225 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 0.4225% लॉस, और यही आपका आंसर है। और यही आपसे पूछा गया था कितने परसेंट का लॉस होगा, तो 0.4225% का लॉस होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या दिया गया इसमें। ए हाउस एंड ए सोप वर सोल्ड फॉर 18.2 लाख ईच।
एक घर को और एक दुकान को दोनों को 18.2 लाख रुपए में बेचा गया, यानी कि दोनों को, घर को भी 18.2 लाख में बेचा और दुकान को भी 18.2 लाख में बेचा, ठीक है। इफ इन दिस ट्रांजेक्शन द हाउस सोल्ड एट 30% लॉस, घर जो है इस लेन देन में, घर जो है वो 30% हानि पर और दुकान जो है वो 30% लाभ पर सेल की गई, आपको बताना है कि ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस कितना है। अब की बार आपको परसेंटेज में वैल्यू नहीं बतानी है, आपको रुपीज में वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले तुम परसेंटेज की बात कर लेते हैं, तो लॉस कितने परसेंट होगा मुझे फटाफट बताओ, लॉस कितने परसेंट होगा, 30 × 30 / 100, तो आप बोलोगे लॉस कितने परसेंट होगा, 9% होगा, ये बात तो सबको क्लियर है। अब देखो सेलिंग प्राइस कितना है, अब एक का सेलिंग प्राइस 18.2 है तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 36.4 लाख हो जाएगा। अरे एक का सेलिंग प्राइस 18.2 है तो दोनों का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 36.4 हो जाएगा। और लॉस यहां पे कितना दे रखा है, 9% दे रखा है, ध्यान से सुनते रहना, सेलिंग प्राइस इतना है, लॉस इतना है। अब बताओ अगर 9% का लॉस हुआ तो हमने सेल कितने में किया होगा, 91% में। अगर 9% का लॉस हुआ तो सेल कितने में क्या होगा, 91 में, और 91 की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 36.4 के इक्वल दे रखी है। 1% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36.4 / 91। अगर वो यहां पे पूछ लेता कॉस्ट प्राइस कितना था तो हम 100 की वैल्यू निकाल देते, अगर वो पूछ लेता कॉस्ट प्राइस कितना था तो 100 की वैल्यू निकाल देते, लेकिन उसने पूछा लॉस कितना है तो हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, 9% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि लॉस है 9%, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9, 91 से डिवाइड करोगे चला जाएगा 0.4 पे, कितने पे चला जाएगा 0.4 पे, और 9 का मल्टीप्लाई 0.4 में करोगे तो 3.6 लाख आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि इस बिजनेस में कितने रुपए का लॉस हुआ, 3.6 लाख का, यानी कि 3,60,000 का आप बोल सकते हो, तो आपका आंसर आ जाएगा 3.6 लाख। नोट कर लीजिए इसको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी नोट करो दोस्तों। चलिए ये तो था जब आपका प्रॉफिट और लॉस इक्वल हो, लेकिन जब प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दे देगा, जब प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दे देगा तब आप क्या करेंगे, बताते हैं, तब आप बेसिक मेथड से अप्रोच करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया, सेलिंग प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर सेम, दो आर्टिकल का सेलिंग प्राइस सेम है, ठीक है। आगे क्या बोला, इफ फर्स्ट वाज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड सेकंड एट 10% लॉस, जो फर्स्ट है दोस्तों, जो फर्स्ट वाला है, दो आर्टिकल थी, जो फर्स्ट वाला है उस पे 20% का प्रॉफिट हुआ है और जो सेकंड वाला है उस पे 10% का लॉस हुआ है, ये बात उसने बोली है। और दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि भाई अगर सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट लॉस भी सेम हो तब तो फॉर्मूला अपने पास, बट यहां तो प्रॉफिट लॉस अलग अलग है, तो हम रेशियो मेथड से जाएंगे। किससे जाएंगे, रेशो मेथड से। मुझे फटाफट से बता दो कि 20% का प्रॉफिट होगा तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आएंगे, या आएगा 100 या आएगा 120, ओके है, ये फर्स्ट के लिए है। सेकंड के लिए बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या आएंगे फटाफट, 10% का लॉस है तो ये आएगा 100 या आएगा 90, ओके। तो रेशो निकाल लो, इनका रेशो निकाल लो, 20 से कैंसिल करोगे ये 5, ये आ जाएगा 6, 10 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 10, ये आ जाएगा 9। अब देखो यहां तो सेलिंग प्राइस 6 है और यहां पे सेलिंग प्राइस 9 है, जबकि सेलिंग प्राइस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तो सेम कर लो, 18 कर लो इनको, यहां पे मल्टीप्लाई 3 करोगे 18 हो जाएगा और यहां पे मल्टीप्लाई 2 करोगे 18 हो जाएगा, ओके। तो मल्टीप्लाई 3 कर दो, ये आ गया 15, ये आ गया 18, ये आ गया 20, ये आ गया 18। अब फटाफट से देख लो कि कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस है 35, क्योंकि 15 यहां पे, 20 यहां पे, और सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 36, तो क्या हुआ, क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, और प्रॉफिट कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 1 का, किसके ऊपर, 35 के ऊपर। परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से कैंसिल करो 7, 5 से कैंसिल करो 20, यानी कि 20/7% ऑप्शन में आपको डेसिमल दे रखे हैं तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो, 20/7 को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 2.8 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर है वो क्या रहेगा, 2.8% रहेगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, अगर प्रॉफिट और लॉस अलग अलग दे रखे हो तो आप रेशियो मेथड से ही जाओगे, यही मेथड, यही अप्रोच सबसे अच्छी है। नोट कर लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन और फिर मैं आपको करवाता हूं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
दोस्तों अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अलग अलग दे रखा है, सेम नहीं है, तो आपको बेसिक अप्रोच से जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या दिया गया। टू साइकिल्स आर सोल्ड फॉर रुपीज 7000 ईच। दो साइकिलों को प्रत्येक को 7000 रुपए में बेचा गया, ठीक है। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 33.33% प्रॉफिट। एक पे 33.33% प्रॉफिट हुआ है और दूसरे पे क्या हुआ, 18.18% लॉस हुआ। दोस्तों ये परसेंटेज आपकी जो है ये टिपिकल वैल्यू दे रखी है, तो यहां पे 100 से काम नहीं चलेगा। एक और ध्यान रखना हमें कि यहां पे सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, ये बात भी इसने दे रखी है। तो चलिए इसकी फ्रैक्शन कन्वर्ट करते हैं। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3 और इसकी फ्रैक्शन होती है 2/11। दोस्तों इतना तो आपको पता होना चाहिए, परसेंटेज टॉपिक पढ़ लीजिए। इसकी फ्रैक्शन होती है 2/11 और इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3। तो मुझे फटाफट बताओ कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितना आएगा। कॉस्ट प्राइस हमेशा होता है नीचे वाला, तो कॉस्ट प्राइस है 3, 1 का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहां पे कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 11, और यहां पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि 11 में से 2 माइनस करेंगे, लॉस है। अब सेलिंग प्राइस इक्वल करने हैं, ये 4 है ये 9 है, इक्वल करो। कैसे करोगे, यहां 9 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां मल्टीप्लाई कर दो 9 से और यहां पे मल्टीप्लाई करो 4 से, कर दो फटाफट। 9 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 27, ये आ जाएगा 36। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 44 और ये आ जाएगा 36। अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस कितना, फटाफट कॉस्ट प्राइस को मल्टीप्लाई करो, प्लस करो 44, 27 को प्लस करोगे 71 आ जाएगा, और सेलिंग प्राइस को प्लस करो 72 आ जाएगा। यानी कि 72 से लेकर 71 में लेकर 72 में सेल की, तो क्या हुआ, प्रॉफिट। और प्रॉफिट कितने का, 1 का, किसके ऊपर, 71 के ऊपर, मल्टीप्लाई 100, तो आपका क्या जाएगा, 100/71% प्रॉफिट। और यही आपका ऑप्शन दे रखा है, 100/71% प्रॉफिट, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए अच्छे से, जब आपका सेलिंग प्राइस इक्वल हो, सेलिंग प्राइस सेम हो और प्रॉफिट और लॉस अलग अलग हो, तो आप यही मेथड यूज करेंगे, ओके। नोट कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन होते आपके जब सेलिंग प्राइस सेम था, जब सेलिंग प्राइस सेम था, लेकिन जब कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, जब क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है। ये हमने क्वेश्चन किए हैं जब सेलिंग प्राइस सेम था, अब बात करते हैं जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कॉस्ट प्राइस ऑफ टू आर्टिकल आर सेम। यहां पे कॉस्ट प्राइस सेम है, यानी कि क्रय मूल्य सेम है, क्रय मूल्य समान है, यहां पे क्रय मूल्य समान है। फर्स्ट वाज सोल्ड एट 35% प्रॉफिट एंड सेकेंड एट 35% लॉस, ये बात उसने बोली है। फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो, क्रय मूल्य सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट भी सेम हो, तो उसका जो आंसर है दोस्तों वो रहेगा नो प्रॉफिट नो लॉस। ना तो वहां पे लाभ होगा और ना वहां पे हानि होगी, ना वहां पे प्रॉफिट होगा ना वहां पे लॉस होगा। कब, जब आपका कॉस्ट प्राइस सेम हो और प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट सेम हो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट इक्वल हो लॉस परसेंट के। मतलब ऐसा हो जाएगा कि यहां पे उसने 35 रुपीज अर्न किए और यहां पे 35 रुपीज लॉस कर दिए, जितने रुपए कमाए उतने रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या हुआ, नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है आपको जब कॉस्ट प्राइस सेम हो, ठीक है, नोट कर लेना इसको। चलिए एक क्वेश्चन और बताता हूं इस तरह का, देखो जब ये अलग अलग दे देगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखो क्या दिया, रवि परचेज ए वॉच एंड ए मोबाइल एट 12,000 ईच। रवि ने एक मोबाइल लिया और एक वॉच ली, एक घड़ी ली और एक मोबाइल लिया 12,000 रुपए, दोनों 12,000 रुपए के, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का क्या है, कॉस्ट प्राइस सेम है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि 12,000 है, ठीक है। ही सोल्ड वॉच एट 30% प्रॉफिट, उसे 30% का प्रॉफिट हुआ, एंड मोबाइल एट 12% लॉस, मोबाइल पे 12% का लॉस हुआ। तो सीधा सीधा सा इतना समझ लो कि 30% उसने कमा लिए और 12% उसका नुकसान हो गया, तो बचे कितने, 30 में से 12 माइनस कर दो तो बचा कितना, 18% प्रॉफिट। बट ये 18% का जो प्रॉफिट है ये टू आर्टिकल्स पे है, ये 18% का जो प्रॉफिट है ये कितने आर्टिकल पे है, टू आर्टिकल पे है। ओवरऑल निकालेंगे तो 18% को 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 9% प्रॉफिट, यानी कि उसे ओवरऑल जो है वो 9% का प्रॉफिट होगा, ओके। जब कॉस्ट प्राइस सेम हो तो आपको ध्यान रखना है कि प्रॉफिट में से लॉस माइनस कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड कर देंगे जितने आर्टिकल है,
अगर यहाँ पे थ्री आर्टिकल होते 3 से डिवाइड कर देते, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो। कोई आपकी क्वेरी हो, कोई आपका डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो। कोई आपकी एडवाइस हो हमारे लिए तो कमेंट सेक्शन में एडवाइस को डाल दिया करो। कमेंट जरूर किया करो आपको वीडियो कैसा लगा, कोई इंप्रूवमेंट चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो ताकि और दोस्तों का भी इसका फायदा हो सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।